नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। समाचारों की आपाधापी में पड़ोसी देश से आए एक समाचार ने स्तब्ध कर दिया। नहीं, यह समाचार पाकिस्तान में तेजी से फैल रहे चाइनीज वुहान कोरोना वायरस से संबंधित नहीं है। वैसे भी पाकिस्तानी अल्लाह के बाद शी जिनपिंग पर ही भरोसा करते हैं। उन्हें यकीन है कि वे मास्क और टेस्ट किट्स जिन्हें चीन से आयात करने के बाद यूरोपीय देश फेंक रहे हैं, लौटा रहे हैं, गधा एक्सपोर्ट करने के एवज में पाकिस्तानियों की जान तो बचा ही लेंगे। वर्ल्ड डेस्क इस्लामाबाद के हवाले से अमर उजाला ने प्रकाशित किया है कि पाकिस्तान की इमरान खान सरकार देश में फैली कोरोना महामारी के बीच हिंदुओं को राशन देने से मना कर रही है। यह घटना महामारी से बेहद प्रभावित सिंध प्रांत के कराची शहर की है। कोरोना के संकट को देखते हुए यहां केवल मुसलमानों को ही राशन और जरूरी सामान दिया जा रहा है। एक बारगी इस समाचार पर मुझे भरोसा नहीं हुआ। मैंने कई देशी और विदेशी समाचार पोर्टलों से इस खबर को सत्यापित किया। इस्लाम की 24 घंटे कस्में खाने वाला 5 बार का नमाजी इमरान खान पाक कुरान की शिक्षाओं से अलग कैसे चल सकता है? जिन्ना ने तो ऐसा मुल्क बनाया था ना, जिसमें सभी को बराबरी का हक है, वह किसी भी धर्म को मानने वाला हो। महामारी के इस दौर में इस झूठ के परखच्चे उड़ गए हैं और चिथड़ों से तन ढकने वाले पाकिस्तान को अब नंगा देखा जा सकता है। पोर्टल मेट्रो सागा के अनुसार अनेक लोग कराची के रिहरी गोट के पास सरकार द्वारा भेजे गए राशन सहित आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को प्राप्त करने पहुंचे, जिसे एक गैर सरकारी संगठन के माध्यम से दैनिक मजदूरों और कामगारों के बीच बंटवाया जा रहा था। तो वहां कतार में खड़े पाकिस्तानी हिंदू नागरिकों से कहा गया कि वे अपने घर चले जाएं, यह सप्लाई केवल मुसलमानों के लिए है। मेट्रो सागा के अनुसार संपूर्ण कराची में हिंदुओं के साथ ऐसा ही किया गया, खासकर लयारी और सचलगोट से हिंदू श्रमिकों को पंक्तियों से हटाकर घर वापस भेजे जाने की खबरें आ रही हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड एशिया की खबर के अनुसार पाकिस्तान के एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा ने यह चेतावनी दी है कि चाइनीज वुहान कोरोना वायरस के कारण पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू खाने पीने की भयावह दिक्कतों से जूझ रहे हैं, भुखमरी की कगार पर हैं। उन्होंने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के लिए राजस्थान के रास्ते सिंध में राशन और जरूरी वस्तुएं भिजवाने का कष्ट करें। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि पाकिस्तानी अल्पसंख्यक भूखे मर जाएंगे, उन्हें इस मानवीय त्रासदी से बचाने के लिए आगे आए। संकट की इस घड़ी में अपने देश के अल्पसंख्यकों के साथ पाकिस्तान क्या कर रहा है, यह पूरी दुनिया के लिए आंखें खोलने वाला होना चाहिए। पाकिस्तान ने कौन से मंदिर सालों बाद खोले या कॉरिडोर बनाया, यह उसका वास्तविक चेहरा नहीं, बल्कि इस जाहिल देश की सच्चाई महामारी के दौर में अपने नागरिकों का धर्म देखकर बांटा जा रहा राशन और मदद है। पाकिस्तान की यह कड़वी सच्चाई क्या भारत में नागरिकता संशोधन विधेयक की आवश्यकता पर बल नहीं देती? शाहीन बागी और उनको डफली बजा बजा कर समर्थन देने वाले वामपंथी बगले झांक सकते हैं, लेकिन भारत ने चाइनीज वुहान कोरोना वायरस द्वारा फैलाई गई आपदा के इस समय में न तो धर्म देखकर राहत पैकेज का ऐलान किया, न ही धर्म देखकर विदेशों से भारत लाने में किसी के साथ कोई भेदभाव। पाकिस्तान में जो वहां के अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है वह गुनाह अजीम है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इस विषय पर दुनिया के मजदूरों एक हो कहने वाले वामपंथी धतूरा खाकर सोते रहेंगे।
वैश्विक बिरादरी, संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार प्रकोष्ठ, एमनेस्टी इंटरनेशनल वगैरह तो इस विषय पर रेत में मुंह गाड़े बैठे हैं, दोगले कहीं के। मित्रों आज इतना, फिर मिलता हूं ऐसी ही किसी कहानी के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस कहानी को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।